नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्नू के पौधों में फल समय से पहले ही क्यों झड़ जाते हैं। यदि हम इन पौधों की अच्छी देखभाल करते हैं तो इनके कोई भी फल नहीं झड़ते हैं और इनकी फ्रूटिंग जो है वो समय पे पकती है। यदि हम इनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो इनके फल समय से पहले ही झड़ जाते हैं। इनके फल पीले होकर जल्दी ही झड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले मेरे गार्डन की ये फ्रूटिंग दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे इस पौधे में कितने बड़े साइज़ के किन्नू लगे हुए हैं और ये पौधा फलों से भरा हुआ है और अधिक फ्रूटिंग होने की वजह से इसकी ब्रांचेज नीचे की ओर झुक गई हैं। यदि आप भी अपने किन्नू के पौधों में इसी प्रकार फ्रूटिंग चाहते हैं तो मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखें। मैं आपको इस पौधे की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। यदि आपके किन्नू के पौधों में इस प्रकार फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं किन्नू के पौधों में अधिक से अधिक फ्रूटिंग लेने के लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने वाला हूँ। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके किन्नू के पौधे इसी प्रकार फलों से लदे रहेंगे। किन्नू के पौधों की कोई भी वैरायटी हो, मार्च अप्रैल में ये पौधे फूलों से लद जाते हैं। ये पूरा पौधा सफ़ेद हो जाता है, इनके पत्तों से अधिक फूल लगते हैं। यदि हम उस टाइम इस पौधे की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो इसके सारे फूल फल में कन्वर्ट हो सकते हैं। किन्नू के इन पौधों से आप हर साल इसी प्रकार फ्रूटिंग ले सकते हैं और इसमें इतनी फ्रूटिंग हो जाती है कि इसकी ब्रांचेज नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाती हैं। यदि आप इन पौधों में इसी प्रकार फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप इन पौधों में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। इन पौधों में आप केवल ऑर्गेनिक खाद ही डालिए। कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप इस पौधे में डाल सकते हैं। मार्च अप्रैल और मई के महीने में यदि आप इनके फूल और फलों को झड़ने से रोक पाते हैं तो ही आप इन पौधों में खाद डालें, नहीं तो इन पौधों में कोई भी खाद नहीं डालनी है। जब इनके फल झड़ जाएंगे तो उसके बाद चाहे आप इन पौधों में कितनी भी खाद डालते रहें, फिर नेक्स्ट ईयर ही इन पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। यदि इस पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो इसके फलों का साइज छोटा हो जाएगा और इसके फल पीले होकर गिरने लगेंगे, इसलिए आप इसकी मिट्टी में पोटाशियम रिच खाद ज़रूर डालें। ऑर्गेनिक काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट यदि आप इस पौधे में डालते हैं तो नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम की कमी इन पौधों में नहीं होती है और इनके फल समय से पहले नहीं झड़ते हैं। इन पौधों के फलों का साइज़ बड़ा करने के लिए इनकी वाटरिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम इन पौधों में अधिक पानी डालेंगे तो भी इनके पत्ते पीले हो जाएंगे और इनके फल भी पीले होकर गिरने लगते हैं। मेरा ये किन्नू का पौधा फलों से लदा हुआ है। देखिए एक साथ गुच्छों में इसमें फल लगे हुए हैं और बहुत ही बड़े साइज के ये हो जाते हैं, उसके बाद ही ये पीले होने शुरू होते हैं। किन्नू के फल झड़ने के और भी कई कारण होते हैं। दूसरा मेन कारण है इन पौधों में फंगस का अटैक होना। जब इनके फलों में फंगस का अटैक शुरू हो जाता है तो इनके फल पीले होने लगते हैं और ये समय से पहले ही झड़ जाते हैं। यदि किन्नू के पौधों में फंगस का अटैक हो जाता है तो अब सितंबर अक्टूबर के महीने में इन पौधों में हमें किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना है। मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हमें इन पौधों में किसी भी प्रकार के फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है और ना ही इन पौधों में कोई खाद हमें डालनी है। दिसंबर जनवरी में जब इनके फल पककर तैयार हो जाते हैं तो इनके फल तोड़ने के बाद ही हमें इन पौधों में खाद डालनी है। जब इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उससे पहले आप इन पौधों में खाद डाल दें। यदि आप इन पौधों से अधिक फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो आपको इनकी खाद और वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरिंग करते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पौधों के कोई भी फल और फूल नहीं झड़ने चाहिए। जब आप इनमें वाटरिंग करते हैं तो केवल इनकी मिट्टी में ही पानी डालें, इनके पत्तों के ऊपर पानी का छिड़काव ना करें। आप इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव तभी करें जब इसमें कोई भी फल और फूल नहीं लगा हो। फंगस अटैक जब इन पौधों में हो जाता है तो इनके फल झड़ जाते हैं और इनकी ब्रांचेज भी सूखने लगती हैं। जब इनकी ब्रांचेज सूखने लगती हैं तो ये पौधा धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता है। ऊपर से इसकी ब्रांचेज पहले सूखना शुरू होती हैं और इसकी मेन स्टेम तक पहुँच जाती हैं। इस प्रॉब्लम को हम डाईबैक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। इस पौधे को डाईबैक प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को तुरंत काट देना है। ऐसा करने से इनकी सभी ब्रांचेज में फंगस का अटैक नहीं होगा।
पौधों को फंगस से बचाने के लिए मार्केट में आपको साफ फंजीसाइड मिल जाता है। साफ फंजीसाइड को पानी में घोलकर इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। फंगस के अलावा इन पौधों से अधिक फ्रूटिंग लेने के लिए और भी कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये पौधा अंदर से भी स्ट्रांग होना चाहिए और बाहर से भी ये पौधा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब कभी तेज़ हवाएं और आंधी चलती है तो भी इसके फल और फूल झड़ जाते हैं। इस पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इस पौधे को मिल जाए। जितनी अधिक सनलाइट इस पौधे को मिलेगी उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, उतने ही इसमें फल और फूल अधिक लगेंगे। ये एक फ्रूटिंग प्लांट है और आपको फ्रूटिंग प्लांट सभी नीचे ज़मीन में ही लगाने चाहिए। यदि आप इसको गमले में लगाओगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ये अधिक फ्रूटिंग भी नहीं करेगा। एक दो साल तक तो ये पौधा चल जाता है, उसके बाद ये पौधा रूट बाउंड हो जाता है, इसलिए आप इस पौधे को नीचे ज़मीन में ही लगाएं। यदि शुरुआत में एक दो साल हम इस पौधे की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो ये पौधा कुछ ही सालों बाद एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है और इस पौधे में हर साल फ्रूटिंग होती है। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इस पौधे में फ्लावरिंग साल में एक बार ही होती है। मार्च अप्रैल में इस पौधे में फ्लावरिंग शुरू होती है, आप इसके फूलों को ना झड़ने दें। मार्च अप्रैल में मैं इस पौधे की अच्छी देखभाल करता हूँ, यही कारण है कि इसकी ब्रांचेज झुकी हुई हैं और ये सारी ब्रांचेज फलों से लदी हुई हैं। यदि आपके किन्नू के पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो साल में दो बार आप इस पौधे में खाद डालें। जब आप इसकी मिट्टी में खाद डालते हैं तो इसकी मेन स्टेम के बिल्कुल पास में ये खाद नहीं डालनी है। मेन स्टेम से एक या आधा फीट दूर एक सर्कल बनाकर मिट्टी निकाल लें और उसके बाद उस मिट्टी में ये खाद डाल दें। खाद और पानी के अलावा और भी कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ही इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। इनमें कई बार हरे रंग के कीड़े लग जाते हैं जो इनके पत्तों पर बैठ जाते हैं और इनके पत्तों को खाते रहते हैं। हरे रंग के कीड़े इनके हरे पत्तों में दिखाई नहीं देते हैं। आप इनके पत्तों को रेगुलर चेक करते रहें। जब इनके पत्तों पर शुरुआत में ये कीड़े लगते हैं तो ये ब्लैक कलर के होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है वैसे ये कीड़े हरे रंग के हो जाते हैं। जब ये बड़े साइज के कीड़े हो जाते हैं तो इनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हरे रंग के पत्तों में ये कीड़े छुप जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। कीड़ों से इन पौधों को बचाने के लिए एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इनके पत्तों पर करना पड़ेगा, नहीं तो इन कीड़ों की वजह से फंगस का अटैक भी अधिक हो जाता है। शुरुआत में यदि आप इन कीड़ों का ध्यान कर लेते हैं तो आप इनके पत्तों से इनको आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद जब ये पूरे पौधे में फैल जाते हैं तो इनको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर हमें इन पौधों पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही पड़ेगा। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इनकी मेन स्टेम के पास की एक फिट की सर्कल की मिट्टी हटा दें और उसके बाद आप इसकी बारीक बारीक जड़ों को काट दें। ऐसा करने से इस पौधे की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। इन पौधों की हमें बारीक बारीक धागानुमा जड़ें ही निकालनी हैं, हमें इनकी मोटी जड़ों को नहीं काटना है। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके किन्नू के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और ये पौधे फलों से लदे रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।